हेलो गाइस, वेलकम टू द जिमडी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे स्पाइडरमैन के खतरनाक रूमर के बारे में। वो रूमर है ट्रेलर से रिलेटिव। अब रूमर ये है कि नेक्स्ट मंथ लॉन्च होगा स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का पहला टीजर या ट्रेलर। अब ये पॉसिबल कैसे है? तो सोनी कंपनी के भी हाथ में राइट्स है प्रमोशन करने के रिलीजिंग डेट से रिलेटिव, और वो कभी भी इसको कैसे भी प्रमोशन कर सकता है। तो इनटू द स्पाइडर वर्स एक एनिमेटेड मूवी है जो कि 13 दिसंबर को लगने वाली है। सोनी कंपनी ने फैसला कराया कि वो स्पाइडरमैन की हल्की सी झलक एंडिंग में दिखाना चाहते हैं। अब उन्हें इस चीज से काफी बड़ा प्रमोशन मिलने वाला है, यानी कि आप कह सकते हो एक तरीके से फायदा होगा। अब एक एनिमेटेड मूवी है तो मैं भी देखने नहीं जाऊंगा, आप लोग भी देखने नहीं जाओगे, और जो उसके फैंस है शायद वो देखने जाए। अगर यहाँ पर स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का टीजर दिखाया जाएगा तो बहुत बड़ी बात है, तो काफी लोग इस मूवी को थिएटर में देखने जाएंगे, जिससे कि सोनी को काफी फायदा भी होगा। तो ये काफी बड़ा कदम है। अभी तो हाल ही में रूमर है, अगर ये बात क्लियर हो जाती है कि स्पाइडरमैन का पहला टीजर देखने को मिलेगा हमें 13 दिसंबर को, तो बहुत ही बड़ी बात है। और देन मार्वल के हाथ में सिर्फ इतने ही राइट्स है कि वो मूवी को बनाए और टाइमलाइन को एडजस्टमेंट करे। तो इसलिए सोनी ने ये फैसला कराया कि इसका टीजर 13 दिसंबर को दिखाया जाए थिएटर में एंडिंग पोस्ट क्रेडिट सीन में, हालांकि इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो गाइस, कैसा लगा अपडेट? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नए देख रहे हो, या तो स्पाइडरमैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।